नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और स्वागत आप सभी का टेक्नी इन्फॉर्मेशन में। दोस्तों आज की वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको व्हाट्सएप की एक ऐसी सीक्रेट ट्रिक्स के बारे में बताने वाला हूँ जो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। लेकिन दोस्तों ट्रिक को बताने से पहले आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, और ये मेरी पहली दीपावली है आप सभी लोगों के साथ, तो दिल से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी दिवाली। तो चलिए दोस्तों अब आपको दिखा देते हैं कि कौन सी ट्रिक है जो कि बहुत ही ज़्यादा कमाल की है और आप इसे दिवाली पर, स्पेशली दिवाली पर बहुत ही अच्छी तरीके से यूज़ कर पाएंगे। तो दोस्तों ट्रिक कुछ इस तरीके से है कि आपको अपने व्हाट्सअप में स्टिकर्स तो देखने के लिए मिलते ही हैं, जैसे कि जो स्टिकर उसमें पहले से इनबिल्ड हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों आप अपने खुद के स्टिकर बना के भी व्हाट्सअप पर शेयर कर सकते हैं। अब ये फीचर्स केवल अभी बीटा टेस्टिंग में है, तो मैं आपको बीटा टेस्टिंग की ट्रिक बताने वाला हूँ। तो मेरे फ़ोन में तो पहले से ही बीटा टेस्टिंग है, मैं नॉर्मल वाला भी यूज़ करता हूँ और जो बीटा टेस्टर है उसे भी यूज़ करता हूँ, तो मुझे ये फीचर्स मिल चुका है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी इसे शेयर किया जाए। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि WhatsApp के अंदर स्टिकर्स का भी ऑप्शन आ चुका है, तो उसमें आप केवल उनके स्टिकर्स को यूज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक के बारे में बताने वाला हूँ जिससे कि आप अपने खुद के स्टिकर बना सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो आप अपने खुद के स्टिकर भी बना सकते हैं, और अभी दिवाली चल रही है तो दिवाली स्पेशल भी आप बना सकते हैं। आप शुभकामनाएं भेज सकते हैं अपने स्टिकर के द्वारा, या फिर आप बाहर के जो स्टिकर होते हैं दिवाली वाले वो भी आप शेयर कर सकते हैं। तो किस तरीके से आप शेयर कर पाएंगे वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों इसके लिए आपको, अगर जैसे कि मान लीजिए दिवाली के स्टिकर शेयर करने, तो उसके लिए आपको गूगल पे आना है और टाइप करना है दिवाली स्पेशल PNG। तो जैसे ही आप टाइप करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे स्टिकर्स आ जाएंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको काफ़ी सारे स्टिकर आ जाएंगे, तो आप अपने हिसाब से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आपने दिवाली के स्टिकर तो डाउनलोड कर लिए, लेकिन अब आप अपने खुद के स्टिकर किस तरीके से बना पाएंगे और किस तरीके से आप उन्हें अपने WhatsApp में ऐड कर पाएंगे वो आपको मैं बता देता हूँ। तो इसके लिए आपको दो एप्लीकेशंस की ज़रूरत पड़ेगी, दोनों एप्लीकेशंस के लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जहाँ से आप इन्हें बड़ी ही आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। पहला एप्लीकेशन सब वो आपको मदद करेगा आपके खुद के स्टिकर को क्रिएट करने के लिए, और जो दूसरा एप्लीकेशन सब वो मदद करेगा आपके WhatsApp के अंदर उन स्टिकर को ऐड करने के लिए। तो चलिए अब आपको दिखा देते हैं किस तरीके से आप इन्हें यूज़ कर पाएंगे और किस तरीके से आप अपने खुद के स्टिकर बना पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आधा समय लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब आपको दिखा देते हैं किस तरीके से आप अपने फोटोज़ के PNG फाइल बना पाएंगे और उन्हें अपने WhatsApp में ऐड कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर दो एप्लीकेशन देखने को मिलेंगे जिनकी ज़रूरत आपको पड़ेगी, तो दोनों के लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए, जहाँ से आप इन्हें बड़ी ही आसानी से डाउनलोड भी कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पहले एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे जिसका नाम है बैकग्राउंड इरेजर। तो यहाँ से आप अपने बैकग्राउंड को रिमूव कर पाएंगे, तो यहाँ पर आपको लोड ए फोटो पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर फोटोस दिख जाएंगी जो अभी आपकी फ़ोटो, तो मैंने यहाँ पर तीन फोटो के बैकग्राउंड को पहले से ही हटा दिया है और जो एक फ़ोटो बचा हुआ है तो हम आपको इसे दिखा देते हैं एग्जांपल के तौर पे, जिससे कि आपको आइडिया आ जाए कि किस तरीके से आपको इस पर वर्क करना है। तो हम यहाँ पर देखिए सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पर डन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं, तो यहाँ पर आपको सबसे पहला ऑप्शंस मिलता है ऑटो का, दूसरा मैजिक का, तीसरा मैनुअल। तो आपको मैजिक के ऑप्शंस पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए सेलेक्ट करना है और आप इस हिसाब से अपने जो बैकग्राउंड है उसे आप हटा सकते हैं। तो बहुत ही आसान है, मैं यहाँ पर देखिए आपको जल्दी जल्दी से हटा के दिखा देता हूँ। जो मैजिक वाला ऑप्शन है वो काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करता है, तो मैंने तो अपने जो जितने भी बैकग्राउंड अपने हटाए हैं वो इसी से हटाए हैं। जो भी एप्लीकेशन के मैंने बैकग्राउंड रिमूव किए वो मैंने इसी एप्लीकेशन से किए, तो काफ़ी जल्दी हो जाते हैं और बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। मैं यहाँ पर आपको करके दिखा देता हूँ, तो देखिए थोड़ा सा रह गया है। तो देखिए लगभग ये पूरा हट चुका है, बैकग्राउंड जितना भी है वो रिमूव हो चुका है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। थोड़ा सा रह गया है, मैं यहाँ पर कर देता हूँ। तो अब जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो चुका है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा भी रह चुका है, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पर एक देखिए बैक कलर का ऑप्शन मिलता है BG कलर का, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि कहाँ कहाँ पर हमारा जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा थोड़ा रह चुका है। तो मैं यहाँ पर देखिए देख के पूरी तरीके से यहाँ पर इसे हटा लेता हूँ, और देखिए अब ये लगभग हट चुका है पूरी तरीके से। तो हम यहाँ पर सिंपली आपको करना है कि आपको यहाँ पर देखिए डन के ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर स्मूथ का ऑप्शन मिलता है, तो आपको यहाँ पर देखिए 5 पे क्लिक कर देना है, तो आपकी जो फोटोज़ है वो थोड़ी सी स्मूथ हो जाएगी। वैसे अगर आप यहाँ पर छोड़ेंगे तो आपकी फोटो में इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं रहेगी, जो भी PNG फाइल आप बनाएंगे उसमें क्वालिटी नहीं दिखेगी, तो आपको यहाँ पर 5 पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, और सेव के ऑप्शन पर क्लिक जैसे ही आप कर देंगे तो आपको सिंपली यहाँ से फिनिश पर क्लिक कर देना है। अब आपकी फ़ोटो जो है वो उसका बैकग्राउंड है वो हट चुका है, मतलब रिमूव हो चुका है उसका बैकग्राउंड, अब आपको बैक आ जाना है। और बैक आने के बाद आपको जाना है अपने पर्सनल फ़ोटोज़ में, और पर्सनल फ़ोटो में जाने के बाद आपको यहाँ पर सारे के सारे जो इमेजेस हैं वो आपको दिख जाएंगे। देखिए मैंने
कुछ फोटो यहाँ पर डाउनलोड फोल्डर में डाली हुई है और कुछ फोटो मैंने यहाँ पर जो इरेज वाला ऑप्शन से जो कि मैंने अभी आपके सामने से इरेज किया है बैकग्राउंड को, तो वहाँ पर मिलता है। तो यहाँ पर आपको दो जगह ऐड का ऑप्शन आ जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखिए मैं इसे ऐड करके दिखाता हूँ आपको। तो इसके लिए आपको नेट कनेक्शन ऑन करना पड़ेगा और आपको यहाँ पर देखिए ऐड पर क्लिक करना है। तो जैसे आप ऐड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी थोड़ी सी लोडिंग होगी और यहाँ पर आप ऐड पर क्लिक कर देंगे तो अब आपका जो स्टिकर है वो ऐड हो चुका है। देखिए आपको यहाँ पर राइट का निशान आ जाएगा आपके सामने कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों यहाँ पर जो डाउनलोड फोल्डर है जिसके अंदर 5 स्टिकर है तो वो तो ऐड हो चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हैं राइट का निशान आ चुका है। लेकिन यहाँ पर जो इरेज फोल्डर है जिसके अंदर केवल एक ही स्टिकर है वो ऐड नहीं हो रहा है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये ऐड क्यों नहीं हो रहा है वो मैं आपको पहले कन्फर्म करा देता हूँ कि अगर आपके किसी भी फोल्डर हो, कोई सा भी फोल्डर हो, अगर आपके फोल्डर में कम से कम 3 इमेजेस हैं या फिर 3 स्टिकर हैं तभी वो ऐड होंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 5 स्टिकर हैं तो वो ऐड हो चुके हैं। लेकिन अगर आपके फ़ोन में केवल एक स्टिकर है या फिर 2 स्टिकर हैं, फ़ोन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, फोल्डर की बात कर रहा हूँ, तो अगर आपके फोल्डर में किसी भी फोल्डर में अगर एक स्टिकर या फिर 2 स्टिकर हैं तो वो ऐड नहीं होंगे। कम से कम आपके फोल्डर में 3 स्टिकर होने चाहिए या फिर 3 से कितने भी ज़्यादा स्टिकर हों तो वो ऐड हो जाएंगे। तो हमारा एक फोल्डर ऐड हो चुका है तो हम बैक आ जाते हैं। ये तो स्टिकर मैंने आपको दिखाने के लिए बनाया था, तो हम यहाँ से बैक आ जाते हैं। और बैक आने के बाद आपको यहाँ पर WhatsApp में आना है और WhatsApp में आने के बाद आपको कोई सी भी चैट को ओपन करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको काफ़ी सारे स्टिकर देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी जब स्टिकर का ऑप्शन आया था तब वीडियो बनाई थी, तो वो स्टिकर यहाँ पर हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको अपने स्टिकर यूज़ करने हैं तो वो किस तरीके से कर पाएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए आपको यहाँ पर सिंपली इमोजी के ऑप्शन में आना है, उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा देखिए स्टिकर का लास्ट में, तो आपको इस पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर काफ़ी सारे स्टिकर आ जाएंगे। ये तो फेवरेट वाले आ गए जो कि मैंने यूज़ किए थे अभी। लेकिन अगर आपको इन्हें देखना है कि आपको ये सारे के सारे स्टिकर कहाँ मिलेंगे जो कि आपने ऐड किए हैं, आप कितने भी स्टिकर को ऐड कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पर देखिए इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, प्लस वाले ऑप्शन पर। फिर आपको यहाँ पर ऑल स्टिकर का ऑप्शन मिलेगा, उसके बाद आपको अपने स्टिकर देखने हैं तो आपको यहाँ पर देखिए माई स्टिकर पे ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो माई स्टिकर के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये स्टिकर आ जाएंगे जो कि आपने अभी क्रिएट किए थे। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये स्टिकर आपने अभी क्रिएट किए थे, मैंने किए थे क्रिएट, मैं तो आपको बता रहा हूँ। तो हम यहाँ से देखिए बैक आ जाते हैं। अब आपको किस तरीके से इन्हें यूज़ करना है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये तो फेवरेट का ऑप्शन हो गया, आप इन्हें फेवरेट भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको और स्टिकर मिलते हैं जो कि इसके अंदर आते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको अपने स्टिकर यूज़ करने हैं तो यहाँ पर देखिए ये रहे जो मेरे वाले स्टिकर हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपने स्टिकर को भी यूज़ कर पाएंगे। तो मैंने 2 इमेजेस डाउनलोड किए थी, मतलब 2 PNG फाइल डाउनलोड की थी गूगल से, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था। तो हम इन्हें पहले भेज के देखते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये शेयर हो जाती हैं काफ़ी अच्छे तरीके से और बहुत ही कमाल की लग रही हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने हैप्पी दिवाली वाला एक स्टिकर शेयर किया है, उसके बाद हम अपनी फ़ोटोज़ को शेयर करते हैं अपने स्टिकर को। तो देखिए ये भी काफ़ी अच्छे तरीके से शेयर हो चुका है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी में आप यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से रेज हो चुका है। और हम यहाँ पर इस फोल्डर को भी इस स्टिकर को भी शेयर करते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपने स्टिकर, अपने खुद के स्टिकर क्रिएट कर सकते हैं, बहुत ही कमाल के लगते हैं। तो दोस्तों जिस तरीके से आपको ये स्टिकर देखने को मिल रहे हैं जो कि व्हाट्सअप के अंदर पहले से ही हैं, तो इसी तरीके से आप अपने खुद के स्टिकर भी बना सकते हैं और कोई भी ये नहीं जान पाएगा कि आपने किस तरीके से बनाया, क्योंकि बहुत ही कमाल की ट्रिक्स है। तो बिल्कुल नई ट्रिक्स है, आप इन्हें अपने फ़ोन में ज़रूर यूज़ कीजिएगा। और स्पेशली दिवाली पर आप अपने फ्रेंडों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के पास अपनी फोटोज़ को इस तरीके से भेज सकते हैं PNG के रूप में या फिर एक स्टिकर के रूप में। तो काफ़ी कमाल की ट्रिक्स थी। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको हमारे आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगर आपको हमारे आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ घंटी के आइकन को भी दबाइएगा, जिससे हमारे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करेगी और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।